नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, जो सरसों के किसान भाई हैं, उनको एक समस्या या एक प्रश्न यह रहता है कि वह सरसों की बुआई कब कब कर सकते हैं, मतलब किन महीनों में संपूर्ण कर सकते हैं, या फिर आप अगर सितंबर का महीना है तो सितंबर में हम यह बुआई कर सकते हैं कि अक्टूबर में कि नवम्बर में। दोस्तों, इस 3 महीने तक लगातार बुआई होती है सरसों की। अब सही समय क्या है और आपको जलवायु का भी विशेष ध्यान रखना है। मैंने जैसे कि आपने हमारे थंबनेल पर देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन यह कहने की बातें बस नहीं है, यह आपको प्रैक्टिकली दिख भी रहा होगा कि आज के समय मौसम कितना परिवर्तित हो गया है। ना तो सही समय पर बरसात होगी, ना तो सही समय पर ठंडी पड़ेगी, ना सही समय पर गर्मी पड़ेगी। मतलब जो मुख्य 3 ऋतुएं हैं, ठंडी, गर्मी और बरसात, यह इनका कोई दिशा निर्देश नहीं है कब से चालू हो जाए, कब प्रारंभ होकर कब अंत हो जाए, कब फिर से चालू हो जाए। तो इस अवस्था में अभी के डेट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वह यह है कि आपका जब लास्ट होता है, फरवरी लास्ट होता है, मार्च आने वाली होती है, उस समय अचानक रूप से भयंकर गर्मी की वृद्धि हो जाती है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। इस कारण से आप अगर देखेंगे तो जो गेहूं है या फिर सरसों है उस समय, या फिर मसूर है, जो भी आप फसल बुआई किए हैं, सूरजमुखी है, तो उस समय आपका जब दाने का भराव होगा, जब दाना पोर्ट होगा, मजबूत होगा, पकने के जो अवस्था आएगा, उस समय गर्म हवाएं चलने से आपका जो दाना है वह श्रृंखल हो जाता है, पिचका हुआ रह जाता है, दाना पूरी तरह से क्वालिटी या गुणवत्ता पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समय पर बुआई कर सकते हैं। मतलब कि आपका अगर सरसों का फसल है, अगर पूरी अवधि का लें तो लगभग लगभग 5 महीने का फसल आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया अगर आपका सरसों का फसल है 5 महीने, मतलब कि 150 दिन, वैसे तो 130 दिन, 140 दिन पर भी हो जाता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 150 दिन। अब अगर आप अक्टूबर में बुआई कर रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने फरवरी में आपका पक करके तैयार हो जाएगा, यह तो सही है। अगर आपने 1 अक्टूबर में बुआई किया है तब, अगर आप नवंबर में बुआई कर दिए तो पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च लास्ट में आपका पक करके तैयार होगा और उस समय गर्मियां बढ़ जाती है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो आपका जो दाना है उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। अब इस अनुसार आप बुआई का जो समय है वह आप पता कर सकते हैं, आपको खुद पता हो सकता है कि आप कितनी अवधि की किस्में ले रहे हैं, तो कब आपका पक करके तैयार होगा, तो हम कब बुआई करें। अगर आपने लेट बुआई किया है, ज्यादा अवधि की है, तो उधर आपको समस्या देखने को मिलेगा एफिड्स या माहू या फिर सफेद रतुआ, जो चूर्णी सफेद पाउडरी होती है उसकी। तो सबसे सही समय बुआई का है आपका सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट सप्ताह, प्रथम सप्ताह। इस समय आप बुआई अगर कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हमने धान कटाई करके या फिर जो भी फसल लगाए हैं खरीफ सीजन में, उसकी कटाई करके बुआई करनी है, तो हमको लगभग लास्ट अक्टूबर हो जाएगा या फिर नवंबर हो जाएगा। उस स्थिति में आपको बुआई तो करना है, लेकिन कम अवधि की किस्म बुआई करें, लगभग लगभग 115 दिन की, 120 दिन की वैरायटी ही आप उस समय लें। अब वो किस्म कौन कौन सी हो सकती है उसका चर्चा हमने पहले कर रखा है, आप उस वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कम अवधि की किस्में। अगर आपको यह भी नहीं, तो हम 2022 की कम अवधि की किस्में आपको अलग से वीडियो पर बना करके दे देंगे। तो दोस्तों, बुआई से पहले इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।